channel Arke Unboxing. I hope all you are doing very well. So guys, in this video I'm going to show you a very different thing. Maybe some of you watched it before already. So guys, मैं जैसे कि आज फर्स्ट ट्राई के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली ये जो बेबीज़ के लिए कुछ होगा. तो गाइज, ये हमारा प्रोडक्ट है. तो ये गाइज, ये बेबी हक का प्रोडक्ट है. ये स्टेनलेस स्टील का एक ग्लास है और ये सिपर भी बन जाता है. मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था इसलिए हमने ये ऑर्डर किया. टम्बलर विथ स्ट्रॉ, इसे टम्बलर विथ स्ट्रॉ भी कहते हैं. और गाइज, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उन्होंने, लाइक इंस्ट्रक्शंस नहीं, यहाँ पे बताया कि 1 ईयर प्लस के यूज़ करते हैं, BPA फ्री है. और इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि ये स्टेनलेस स्टील का है, जो मैंने आपको पहले बताया था. इसका जो लिड है वो एयर टाइट है, इजी टू क्लीन है, डिश वॉशर भी सेफ है, लीक प्रूफ है और एयर टाइट है. तो रस्ट प्रूफ भी है, हाईली ड्यूरेबल है, स्टडी है. तो गाइज, ये सारे कुछ इसके फीचर्स हैं जो बड़े ज़्यादा अच्छे लगे मुझे. इनफैक्ट अभी जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं यूज़ करने के बाद ही रिव्यू की वीडियो भी साथ में डालती हूँ, तो ये बड़ा ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है. सही में ये स्टेनलेस स्टील है और इसमें कुछ लीक भी नहीं होता. इसके MRP 2 to 5 है. और इसका ये जो बिल है इनसाइड में, आपको इसकी जो प्राइस है मुझे पड़ा है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ एक बार. तो मे बी प्राइस विजिबल नहीं होगा बिकॉज जो इंक है वो काफ़ी लाइट लग रही है मुझे. तो गाइस, दे सकते हो 275, सॉरी, इसकी MRP है. और 96.31 का ये मुझे पड़ा है. सो गाइस, जैसे कि अगर हम ऑनलाइन पे करते हैं तो हमें जो पॉइंट के बाद भी अमाउंट लगी होती है वो हमें पे करनी होती है. पे कैश ऑन डिलीवरी पे तो हमें वो छोड़ देते हैं, जैसे कि बेबी हक का वहाँ पे भी लगा हुआ है. स्टेनलेस स्टील का रियली बड़ी फाइन फिनिशिंग है इसकी. एक जो पूरा ग्लास होता है ना बड़े वाला, वैसा है. नीचे थोड़ा पतला है, ऊपर से ब्रॉड है. और इसका जो कैप है वो भी अच्छा है. इसकी जो स्ट्रॉ है वो भी अच्छी है, वो थोड़ी हैवी है बिकॉज ये स्टील का बना हुआ है. तो आप ये प्रेफर कर सकते हो अपनी बेबीज़ के लिए. अगर आपके बेबी हैं जो बॉटल सिपर होते हैं दूसरे, वो नहीं ले रहे, तो आप ये ले सकते हो क्योंकि ये प्लास्टिक का भी नहीं है और ये स्टील का है. तो ये हेल्दी भी होगा. अगर आप इसमें ठंडा डालोगे तो इसकी जो लाइफ होगी वो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, गर्म की भी एज़ यूजल. तो गाइस, इसके जो लिड है, हमें 2 मिल रहे हैं. एक मिल रहा है अगर हम इसे यूज़ करना है तो उस पर हमने स्ट्रॉ डालनी है, और दूसरा लिड मिल रहा है, पूरा कवर मिल रहा है अगर हमें इस पर जो मटेरियल हम डालेंगे लिक्विड, इसमें वो हमें ट्रैवल के लिए चाहिए, तो हम इसमें डालकर ट्रैवल कर सकते हैं इजीली. तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो. अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना. बाय.